मालदीव से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो पीछे खड़ा है चीन। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1,000 करोड़ की। एयरपोर्ट होगा ये ना कि सिर्फ पर्यटकों को बल्कि एयरफोर्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद होने वाला है। प्रेसिडेंट मिमियारा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिगियारा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, सब लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं। इंडियन कॉम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कॉम का जो है तख्ता पलट देता। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें, उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनमें के पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। मालदीव ने भारत से पंगा ले ही लिया है तो क्या इसका खामियाजा उसे FATF की लिस्ट में शामिल होकर भी भुगतना पड़ सकता है। 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। यू आर कॉलिंग हिंदूज काउ डंग ईटर्स और काउ डंग एंड लड्डू, मतलब आप सोच कर देखिए, मतलब हम गोबर खा रहे हैं। चलो ठीक है खा रहे हैं, तुझे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है पहले ये बता। जिसने मालदीव की GDP और इसके साथ साथ उनकी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दे दिया। वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है जिसकी वजह से वो इतने डर गए, इतने डर। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब मेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है, और देखिए आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए 4थे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले, और MMT मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था, हमारे पास मेडिसिन नहीं है ठीक है दे देते हैं भाई, हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है ठीक है दे देते हैं भाई, हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है ठीक है दे देते हैं भाई, हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है हम भेजते हैं डिफेंस आपको, हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है हम नेवीज भेजते हैं, हमारे पास खाने को नहीं है हम भेजते हैं, हमारे पास बिजनेस नहीं है हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाया है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना खून बहाना ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, तो ये सारे ये सो मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा,
चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसका जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं, ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको, जब 2.5 मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं वो भी भारत के, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर। इस वक्त जहां कहीं नजर डाले सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीप, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीप। मालदीप को और लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही, समझ नहीं आ रहा कि किस खबर को कवर करें और किस खबर को छोड़ दें, कौन सी खबर जरूरी है और कौन सी खबर गैर जरूरी है। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1,000 करोड़ की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सर शाहिद अली नईम, इनसे बात करते हैं कि सारे मामले पर इनका क्या रद्द अमल है, इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए। सर ये जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मालदीव्स वर्सेस इंडिया, क्या कहेंगे आप इस जंग को लेकर? क्या मालदीव्स इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके? बहुत शुक्रिया आपने हमें मधु के इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है, लेकिन वहां के सदर जो एक साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, आप मोहम्मद मुइजून का नाम है, जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव्स में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव्स इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है, खैर हम तो हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शेयर भी नहीं है वो। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें, उनमें इतनी सक्कत है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद लें।